हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन क्लास 12 के वाइवा क्वेश्चंस के बारे में। ऑलरेडी आपको पता है बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं और बोर्ड के एग्जाम्स में आपसे वाइवा में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक्सटर्नल्स किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं और आपको क्या क्या तैयारी करके तब जाना चाहिए अपने वाइवा के लिए, चलिए इस वीडियो में हम वो सारे चीजें आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको ये जो जानना है कि जो वाइवा पूछता है आपका एक्सटर्नल, राइट, वो वाइवा जो पूछने का उसका मेन कंसर्न होता है कि ये जानना कि आपने खुद से ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस किए कि नहीं किए हैं, और सारे क्वेश्चन मतलब सारे के सारे जो प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं, प्रैक्टिकल फाइल जो आपने बनाई है, वो आपने खुद से बनाया है नहीं बनाया है। हालांकि आप में से 90% लोग तो कॉपी पेस्ट ही किए होंगे आई बिलीव, बट उन 10%, लेकिन फिर भी जो 90% कॉपी पेस्ट किए और 10% ईमानदारी से किए हैं, जो ईमानदारी से किए उन्होंने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है। जो 90% बच्चे हैं उन 90% बच्चों को भी वाइवा तो देना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पूरे पूरे वाइवा के सेक्शन को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहला सेक्शन आपसे वो पूछेगा, वो आपसे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछेगा, यानी जो प्रोजेक्ट आप लेके जाएंगे उस प्रोजेक्ट से पूछेगा, और साथ ही साथ जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी उससे भी क्वेश्चंस निकाल के पूछ सकता है, जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे उसमें, ठीक है। दूसरा जो आपसे पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, वो पूछेगा आपको किससे, MySQL से क्वेश्चन पूछेगा। आपको पूछेगा कि भैया बताइए MySQL के बारे में बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चन इसको अगर आपने कंफर्म कर लिया तो समझिए आपने सबको कंफर्म कर लिया, आपका 90% क्वेश्चन MySQL से ही होगा। और तीसरा जो होगा वो क्वेश्चन आपको होगा आपके कनेक्टिविटी, यानी पाइथन MySQL कनेक्टिविटी से रिलेटेड होगा, पाइथन MySQL कनेक्टिविटी से क्या होगा, रिलेटेड होगा, ठीक है। अब देखिए इस पूरी सीरीज को, यानी इस वाइवा की सीरीज को मैं दो वीडियोस में कवर कर दूंगा। अभी आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लेंगे और पाइथन MySQL डेटाबेस कनेक्टिविटी के रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, क्योंकि ये आसान होते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। MySQL खुद में एक बहुत ही लेजेंडरी थिंग है, इतने क्वेश्चन हैं इसमें कि हद से ज्यादा, इसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो करेंगे जिसमें आपको बताएंगे। और उसके बाद एक वीडियो जो ऑलरेडी पड़ी हुई है वो है सिर्फ एक कॉमन वाइवा की, मतलब जिसमें हम लगभग सारे वाइवा को एक साथ देख लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग करने का मतलब ये है कि अलग अलग जो वीडियो नहीं, वो थोड़ी सी ब्रॉड होंगी, है ना। तो अभी इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि वाइवा से प्रोजेक्ट से रिलेटेड और या प्रैक्टिकल फाइल या पाइथन MySQL कनेक्टिविटी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके लिए हम अलग एक वीडियो करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आप अपना प्रैक्टिकल फाइल लेके जाते हो या प्रोजेक्ट लेके जाते हो अपने एक्सटर्नल के पास, या फिर पहले से ऑलरेडी जमा कर चुके होते हो, तो सबसे पहले खोलता है आपके फाइल को, प्रैक्टिकल फाइल को, और पहला क्वेश्चन पूछता है कि भैया बताइए प्रोजेक्ट किस चीज पर बनाया आपने, प्रोजेक्ट का नाम बताइए, ठीक है, यानी प्रोजेक्ट जो है वो किस बेस पे आपने बनाया। तो आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसका हेडिंग आपको ऑब्वियसली बात है पता होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर मेरा जो है वो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, या एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम है, या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, या बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, या होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो भी है, ठीक है, मतलब कुछ ये मतलब ये कह सकते हो ना कि फिक्स सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स है, यही प्रोजेक्ट्स जो है वो आप देते हो और दूसरा कोई प्रोजेक्ट थोड़ा देते हो। मैक्सिमम लोगों ने तो इसी प्रोजेक्ट में से निकाल के दिया होगा, मैक्सिमम लोगों ने, कुछ लोग होते हैं जो अपने दिमाग से अच्छा चीज बना के देते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम हो गया, ओके, सबसे पहले आपसे ये पूछता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि चलिए बताइए कि आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या फ्रंट एंड रखा है और क्या बैक एंड रखा है, व्हाट इज फ्रंट एंड। अब ये वर्ड सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही जो है वो यूजुअल क्वेश्चन है जो एक्सटर्नल पूछता है कि फ्रंट एंड क्या है आपके प्रोजेक्ट का और बैक एंड क्या है, आपने अपने प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड में क्या यूज किया और बैक एंड में क्या यूज किया है। तो या फिर पूछ सकता है कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। तो देखिए फ्रंट एंड वो चीज होती है, फ्रंट एंड जो होता है इसका यूज करके हम डिजाइन करते हैं अपने एप्लीकेशन को, कि हमारा एप्लीकेशन कैसा दिखेगा, ये डिजाइन हम किसके जरिए करते हैं, फ्रंट एंड के जरिए करते हैं। और साथ ही साथ जो लॉजिकल कोडिंग लिखना होता है, जो हम लॉजिकली कोडिंग लिखते हैं, वो भी क्या करते हैं, हम फ्रंट एंड में ही करते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप खोलते हो ना, तो व्हाट्सएप खोलते हो तो उसकी स्क्रीन खुलती है, इंस्टाग्राम खोलते हो तो उसकी स्क्रीन खुलती है, फेसबुक खोलते हो तो उसकी स्क्रीन खुलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक ऐप की अपनी एक पर्टिकुलर स्क्रीन है, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो स्क्रीन खुलती है। तो वो स्क्रीन डिजाइन किया जाता है, ऐसा तो नहीं पहले से बना बनाया है। तो हर जगह हर वेबसाइट का जो पेज होता है
वो हर वेबसाइट का हर पेज डिजाइन किया जाता है, तो उसको कहते हैं यूआई डिजाइन, यूजर इंटरफेस डिजाइन। यूआई का शॉर्ट फॉर्म, यूआई शॉर्ट फॉर्म है यूजर इंटरफेस डिजाइन। तो वो जो स्क्रीन कैसी दिखेगी वो किसका यूज करके हम करते हैं, फ्रंट एंड का यूज करके हम करते हैं पता। प्लस साथ ही साथ जो लॉजिकल कोडिंग हम लिखते हैं, यानी कि हम उसमें जो भी वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं कोडिंग के जरिए, वो भी किसका पार्ट होती है, फ्रंट एंड का ही पार्ट होती है। ये आप जान लेंगे कि फ्रंट एंड क्या होता है। नाउ फ्रंट एंड जो आप बेसिकली कह सकते हैं, ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आपने यूआई डिजाइन किया है या लॉजिकल कोडिंग करी है। और चूंकि आप पाइथन क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, पाइथन है। तो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज फ्रंट एंड, तो आप कहेंगे सर माय फ्रंट एंड इज व्हाट, पाइथन। गॉट इट। नाउ बैक एंड क्या होता है, बैकएंड का मतलब क्या होता है कि आपने डेटाबेस में क्या यूज किया है, डेटाबेस को स्टोर, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए आपने क्या यूज किया है। तो आप कहोगे सर हमने डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है चूंकि आपके सिलेबस में MySQL है, इसलिए आपने किसको यूज किया है, MySQL को यूज किया है। और जैसे ही यहां आप बोलोगे MySQL यूज किया है, वैसे ही MySQL से क्वेश्चंस की बौछार शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जैसे ही आप बोलोगे कि हमने फ्रंट एंड में जो है वो पाइथन को यूज किया है, तो वैसे ही पाइथन MySQL कनेक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी कोडिंग आपने अपने प्रोजेक्ट के जरिए किए होंगे उसके उसकी बौछार शुरू हो जाएगी। हालांकि आजकल तो सुनते हैं कि 3-4 क्वेश्चंस में ही निपटा देते हैं बच्चों को, लेकिन जो बच्चे अच्छा जवाब देते हैं, एक सर उनसे पूछते ही चले आते हैं, लगातार पूछते चले आते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि भाई टैलेंटेड स्टूडेंट है, तो क्यों ना इसको जज किया जाए, क्यों ना इसको मतलब देखा जाए कितना अच्छा नॉलेज है। तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर टू एग्जामिनर पे, ठीक है। अब क्या होता है, तो MySQL की एक अलग सीरीज है, वहां आप देख लेंगे। अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे। तो सबसे पहला चीज आपके प्रोजेक्ट का पूछा, उसके बाद पूछेंगे प्रोजेक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या आपने इस प्रोजेक्ट में फीचर्स डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग फीचर्स में क्या डाल रखे हैं सर, जैसे मान लीजिए स्कूल है, तो हम स्कूल में जो है वो स्कूल के एम्प्लॉयज का डिटेल रखेंगे सर, स्कूल में स्कूल का बच्चों का डिटेल सब स्टोर करके रख रहे हैं, हम उनके फीस को स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है, उनके एड्रेसेस को, मतलब कि हम एक तरह से पूरे पूरे स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो सब चीज आप बताओगे फीचर्स में। फीचर्स का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के जरिए, आपने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया है उसमें कौन कौन से फीचर्स को, कौन कौन सी फैसिलिटीज को, किन किन टास्क को अचीव आप करवा रहे हैं, वो होता है आपका क्या फीचर। जैसे स्कूल में स्कूल के बच्चों का रिकॉर्ड रख रहे हैं, स्कूल के टीचर्स का रिकॉर्ड रख रहे हैं, उनका एग्जाम एडमिशन से रिलेटेड डेटा रख रहे हैं, उनका एग्जाम से रिलेटेड डेटा रख रहे हैं, उनके असाइनमेंट से रिलेटेड डेटा रख रहे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स का डिटेल्स रख रहे हैं, इंप्लॉई का भी वही सेम चीज, इंप्लॉई का डिटेल्स, इंप्लॉई की सैलरी का डिटेल्स, इंप्लॉई का पर्सनल रिकॉर्ड, ठीक है, बैंक में पैसा ले सकते, पैसा मतलब जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, ठीक है, होटल में जो है वो कितने रूम्स खाली हैं, कितने कितने रूम्स का इंफॉर्मेशन है, ठीक है, होटल्स में कितने रूम बुक हो चुके हैं, कौन कौन सी डेट में कौन से रूम बुक हो चुके हैं, कौन से रूम खाली हैं, ठीक है, क्या उसकी प्राइसिंग है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या होती है, फीचर्स कहलाती हैं आपके प्रोजेक्ट की। चौथा जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो पूछेगा बताइए आपके प्रोजेक्ट की लिमिटेशन क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट की लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट कहां पे जाके रुक जाता है, कहां पे जाके रुक जाने का मतलब ये हुआ कि कहां पे जाके आपका प्रोजेक्ट जो है वो मतलब उसको उस फैसिलिटी को वो मैच नहीं कर पाता है। तो जैसे मान लीजिए बैंक में है ना, या बैंक में या होटल में कभी भी, सब शुरू से बताता हूं। मान लीजिए आपने स्कूल मैनेजमेंट बनाया, तो आप बोलोगे सर इसमें जो है स्कूल मैनेजमेंट में मेरे लिमिटेशन ये है कि जो है एक बच्चा जो है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है, तो उसको कैसे हम टैकल करेंगे, ये मेरे प्रोजेक्ट में नहीं अभी तक मैं कर पाया हूँ, या हमारी फीस डायरेक्टली बैंक में कैसे चली जाएगी, है ना, बच्चे ने फीस जमा किया और मैंने एक बटन दबाया और वो फीस जो है वो कहाँ चली गई ऑनलाइन, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन फीस का लिंक मैं अपने बैंक के साथ अटैच कर दूँ, वो मैं नहीं कर पाया हूँ, मतलब जो जो चीजें आपको लगती है कि ये फैसिलिटीज और हो सकती है, बड़े ध्यान समझिएगा, ये कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो और भी फैसिलिटीज आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो जो नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लिमिटेशन। वैसे लाइब्रेरी में क्या करोगे, लाइब्रेरी में ये कहोगे सर मान लीजिए मतलब मैं एक ऐसी लिस्ट निकालना चाहता हूँ जो बहुत दिनों से जिन्होंने बुक ले लिया हो और अभी तक रिटर्न नहीं किया हो, तो उसके लिए भी मैंने अभी कुछ नहीं किया सर, उसमें भी ऑफ करना बाकी है। वैसे ही आप कह सकते हो इम्प्लॉई में सर कि इम्प्लॉई जो है वो जैसे मान लीजिए इम्प्लॉई जो है वो अपना कभी जॉब छोड़ के चला जाता है और फिर बीच में वापस लौट के आता है, तो उसके बीच के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कोई मेरे पास तरीका नहीं कि मैं कैसे करूंगा। साथ ही साथ जो है वो इंप्लॉई छुट्टियां लेना चाहता है, तो छुट्टी से रिलेटेड, लीव से रिलेटेड मैं कोई डिटेल स्टोर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वैसा भी मेरा प्रोजेक्ट उतने लेवल तक नहीं बढ़ा है। स्कूल में भी वैसे ही कि सर स्कूल सर दो लिख दिया मैंने, यस। बैंक में मतलब बैंक जो है वो सर जैसे मान लीजिए डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए मेरे पास अभी मैंने अपने पैकेज में कुछ नहीं डाला है कि कैसे मैं डिमांड ड्राफ्ट बनवा पाऊंगा। साथ ही साथ NEFT ट्रांसफर मेरे पैकेज के जरिए नहीं हो सकता, IMPS ट्रांसफर मेरे पैकेज के जरिए नहीं हो सकता, इस तरह की चीजें आप कह सकते हो।
होटल में कह सकते हो कि सर होटल में अभी ये है कि अगर कोई ऑनलाइन बुक करना चाहे तो मेरे पैकेज को ऑनलाइन कोई बुक नहीं कर, मतलब मेरे होटल में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी। साथ ही साथ कैंसिलेशन के लिए भी मैंने कुछ नहीं डाला है कि अगर कोई कैंसिल करता है तो कैसे हम उस रूम को एडजस्ट करेंगे कैंसिलेशन के लिए। तो मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि आप जब भी लिमिटेशन की बात करते हैं आप बात करते हैं कि क्या क्या पैकेज में आपके हो सकता था जो आपने नहीं किया है। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप एक छोटा सा पैकेज बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है छोटा सा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उसमें बहुत सारे, ये सोच लो कि क्या क्या आपने पैकेज में आपने नहीं किया है, आपके सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें नहीं है जो होनी चाहिए थी, मतलब हो सकती है जो आपने नहीं कर पाए हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट लिमिटेशंस। तो बेसिकली प्रोजेक्ट से रिलेटेड यही क्वेश्चन होते हैं। अब प्रैक्टिकल फाइल में तो ऑब्वियस बात है आपने प्रोग्राम्स लिखे होंगे, तो जो प्रोग्राम्स आपने लिखे होंगे स्टैक क्यूज से रिलेटेड उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। स्टैक से क्वेश्चन पूछेगा, क्यू से क्वेश्चन पूछेगा, लिस्ट से क्वेश्चन पूछेगा, यही है मैक्सिमम, फंक्शन से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन इसका मतलब अगर आप चाहिएगा इस पर तो फिर बहुत ही बड़ा इसका रेंज हो जाता है, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं प्रैक्टिकल फाइल से। बस आपको ज्यादा से स्टैक क्यूज आपको पूछ लेगा क्योंकि टर्म टू में स्टैक क्यूज है, तो आपसे स्टैक से पूछ लेगा स्टैक किस पैटर्न पे काम करता है, तो आप बोलोगे सर स्टैक जो है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट के पैटर्न पे काम करता है। वैसे आपसे पूछेगा क्यू किस पैटर्न पे काम करता है, तो क्यू के लिए आप बोलोगे सर क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के पैटर्न पे काम करता है। चलो ये भी ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि स्टैक में जो है वो इनपुट को, यानी स्टैक में जो होता है जब आप एंट्री करते हो मतलब एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हो तो उसको क्या कहते हो, तो एलिमेंट के इंसर्शन को स्टैक में पुश कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट के डिलीशन को क्या कहते हैं, पॉप कहते हैं। सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट आया तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, पीक टर्म यूज करते हैं, ठीक है। ये तीन टर्म्स होते हैं स्टैक में। क्यू में क्या होता है, तो बोलोगे ये सर क्यू में जो होता है वो इंसर्शन ऑपरेशन को, इंसर्ट वाले ऑपरेशन को हम लोग एन क्यू कहते हैं, ई एन क्यू यू ई यू ई, और जो डिलीशन ऑपरेशन था उसको हम लोग डी क्यू कहते हैं, डी क्यू यू ई डी क्यू। और पीक तो यही होता है कि सबसे पहला एलिमेंट कौन, देखो स्टैक में सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कौन है, पीक कहते हैं उसको। क्यू में सबसे पहला एलिमेंट कौन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीक कहते हैं। दोनों में के पीक में अंतर है, स्टैक मतलब पीक, स्टैक में पीक का मतलब सबसे लास्ट एलिमेंट, क्यू में पीक का मतलब सबसे फर्स्ट एलिमेंट, ये याद रखना। अब आपसे देखो चूंकि आपके प्रैक्टिकल फाइल में टर्म टू से रिलेटेड ही आप सिर्फ टॉपिक्स के बनाओगे ना प्रोग्राम्स, ठीक है, इसीलिए जो है इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ। तो डेटा स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता है। डेटा स्ट्रक्चर कितने पार्ट्स में बांटा गया, तो इसको ब्रॉडली दो पार्ट्स में बांटा गया, एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है। अब आपसे ये ज्यादा ये पूछ सकता है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं, तो आप बोलोगे सर जो मेरा स्टैक है, जो मेरा क्यू है, ठीक है, स्टैक या क्यू। एक और टॉपिक है जो आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज लिंक्ड लिस्ट, LINK LIST, लिंक्ड लिस्ट। ये तीनों जो होते हैं वो किसके किस में आते हैं, वो आते हैं आपको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। उस पूछ सकते हैं नॉन लीनियर में क्या आता है, तो नॉन लीनियर में सर ट्री आता है या ग्राफ आता है, ट्री और ग्राफ, ये दो टॉपिक जो होते हैं नॉन लीनियर में आते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। उसके बाद स्टैक और क्यू से बस ये फील हो, यानी फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये स्टैक है और ये क्या है, क्यू है, ठीक है। उसके बाद स्टैक से ऑपरेशंस पूछ देगा, उसके बाद इस सेक्शन से कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपसे लिस्ट से पूछ देगा, लिस्ट को क्यों यूज करते हो, तो लिस्ट जो है वो तो मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए होता है, ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट इसका यूज करते हैं, लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम लिस्ट हम चेंज कर सकते हैं। ट्यूपल के बारे में पूछ सकता है, तो ट्यूपल जो होता है वो पैरेंथेसिस से शुरू होता है, ये इम्यूटेबल होता है, मतलब इसके वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। डिक्शनरी पूछेगा कि डिक्शनरी क्या होता है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, सॉरी ये कर्ली ब्रैकेट्स में यूज करते हैं, और इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो की और वैल्यू के फॉर्म में होती हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है आपके इस सेक्शन से, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद MySQL को मैंने बता दिया, इसके लिए एक अलग ही स्पेशल वीडियो बनेगी जो लगभग एक घंटे की वीडियो होगी, बहुत लंबी होगी क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा होता है पाइथन MySQL कनेक्टिविटी, ये बहुत ही छोटा सेक्शन है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है MySQL पाइथन की कनेक्टिविटी आपने की है, तो बोलोगे हाँ सर की है, तो कौन सा पैकेज यूज करते हैं, कौन सा पैकेज यूज करते हैं अगर हमें MySQL और पाइथन में कनेक्टिविटी करना हो, तो आप बोलोगे सर MySQL-Python कनेक्टर, ठीक है, MySQL-Python, MySQL कनेक्टर, सॉरी नॉट पाइथन, MySQL कनेक्टर, इसको हम यूज करते हैं। दिस इज द पैकेज, राइट, एग्जैक्टली इट इज नॉट डैश, इट इज डॉट, MySQL कनेक्टर, यानी ये वो पैकेज है जिसका हम यूज करते हैं, किस लिए, कनेक्टिविटी के लिए। यानी कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं जो पाइथन और MySQL के बीच में कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करता है, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं MySQL.connector को यूज करते हैं। नाउ उसके बाद पूछेगा अच्छा बताइए डेटा को फेच करने के लिए कौन कौन सा फंक्शन है, तो आप बोलिएगा सर डेटा को फेच करने के लिए एक फेच वन है, ठीक है, एक फेच मेनी है,
और क्या है, एक फेच ऑल है, ये तीन फंक्शन है, फेच ऑल है, ठीक है, फेच ऑल है। तो आप बोलो, बोलेगा फेच वन क्या होता है, बड़ा आसान है, बोला सर ये एक बार में एक रिकॉर्ड को फेच करता है, फेच मेनी क्या होता है, जितने रिकॉर्ड हम कहेंगे उतने रिकॉर्ड को ही फेच करेगा, और फेच ऑल क्या करता है, तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड को फेच कर लेता है, दिस इज फेच वन, फेच मेनी, फेच ऑल। तो ये सारे रिकॉर्ड को फेच कहां से करता है, तो आप बोलोगे सर ये सारे के सारे रिकॉर्ड को MySQL से फेच करता है, इट इज यूज टू फेच ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम MySQL, राइट। नाउ अब क्या होगा, इससे आपसे क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन हमेशा हमेशा याद रखिएगा, कर्सर क्या होता है, व्हाट इज कर्सर, तो कर्सर क्या होता है, इसके बिना कोई काम ही नहीं होगा, आपने देखा होगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट कमिट, ठीक है, कर्सर डॉट फेच ऑल, फेच मेनी, सब इसी के जरिए होता है। तो कर्सर क्या होता है, तो कर्सर जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, इट्स एन ऑब्जेक्ट, इट्स व्हाट इज दिस, कर्सर इज एन ऑब्जेक्ट, कर्सर एक ऑब्जेक्ट है जिसका यूज जो होता है वो डेटाबेस से रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, ये सारे के सारे क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। पाइथन में जितने भी क्वेरीज होते हैं, पाइथन के जरिए आप MySQL में जितने भी क्वेरीज लिखेंगे, उन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, और उस एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो रिजल्ट भी होल्ड करने का काम कौन करता है, कर्सर करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज द वर्क ऑफ कर्सर। पाइथन MySQL कनेक्टिविटी से बस इतना ही क्वेश्चन होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन होता ही नहीं है, कौन कौन सा फंक्शन यूज करते हो और कर्सर क्या होता है, ठीक है, और वही जो है वो इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, ठीक है, वो जैसे और फिर एग्जीक्यूट ऑल, ठीक है, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मेनी, ये इस तरीके से आप इन सारे फंक्शन, मतलब कर्सर के जरिए जो फंक्शन है उनसे आप उन, वो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। बेसिकली ये तीन ही होते हैं, फेच वन, फेच मेनी। आप मुझे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्या होता है, व्हाट इज कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ये भी क्वेश्चन है। तो कर्सर देखो बहुत ही तो नाम से ही क्लियर है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट का मतलब होता है पाइथन में जो भी हम MySQL का स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि अगर डेटा को इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट इनटू का बनाएंगे ना, इंसर्ट इनटू का स्टेटमेंट बनाएंगे पाइथन में, है ना, वैसे अगर डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम, अगर अपडेट करना है तो अपडेट वाला स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये जो MySQL के स्टेटमेंट होते हैं, याद रखना, जो MySQL के स्टेटमेंट होते हैं जो हम पाइथन में लिखते हैं ना, पाइथन की प्रोग्रामिंग में ही तो हम सारा लिखते हैं ना, तो MySQL के स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं पाइथन में उनको अगर एग्जीक्यूट करवाना हो हमें MySQL में, तो उसके लिए हम कर्सर डॉट एग्जीक्यूट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। इतना बहुत है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको MySQL के लिए लेके आऊंगा कि MySQL से कितने क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस कहां कहां से पूछे जा सकते हैं, तो हमारा वाइवा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी, आई होगी डेफिनेटली। तो अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।